जब हम सबके श्रद्धे डॉक्टर साहब और श्रद्धा जी जी हम आप सबके बीच में पधार रहे हैं, हम आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, हमारे अनंत कोटि नमन वंदन के साथ में सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़कर विराट चेतना को नमन वंदन करें। ओ एवं श्रद्धा जी से प्रार्थना है, इस महापर्व पर वे दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस महापर्व का शुभारंभ करने की कृपा करें। ओम अग्निनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् योयोध्यस्मात् जुहराणमेनो ओइष्ठां ते नमः। बहनों, गुरु पूर्णिमा का यह गुरु पर्व और गुरु पर्व पर गुरु पूजन का दिव्य क्रम श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धा जी जी यहां पर संपन्न कर रहे हैं। हम आप सभी भाई बहन भावपूर्वक इस पूजन में सहभागी बन जाएं तो हम सभी का गुरु पूजन भी हो जाएगा और हम सबका जीवन भी धन्य बनेगा। गुरु पूजन यहाँ से संपन्न कराने के लिए भाई लोग सभी भाई बहनों से प्रार्थना, कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का पूजन करने जा रहे हैं, भाव भरा ध्यान करते हैं, वे हमारे मन मस्तिष्क में आ विराजें, इस भाव से भाव भरा ध्यान प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के रूप में। ओम प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मा भगवती प्रचोदयात्। ओम आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगेन्द्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषसहस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं विन्दुनादकलातीतम् तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ब्रह्मायावाहनम्। पूज्य गुरुदेव में ही त्रिदेव प्रमुख शक्तियां विराजमान हैं, उनका भाव भरा ध्यान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का ध्यान। निर्माण के देवता हैं, शिष्य के नाते अपने अंतरंग एवं बहिरंग क्षेत्र में जो संरचनाएं करनी है उनके निर्माण के लिए आदि सृष्टा ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम नई सृष्टि कर सकेंगे, मनुष्य में देवत्व का उदय संभव होगा। दोनों हाथ जोड़ें, भाव भरा आवाहन करें। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेनयावः सबुध्न्या उपमायस्य विष्ठाः सतस्य योनिमसतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि विष्णु आवाहनम्। दूसरी शक्ति पालन पोषण की शक्ति है। भगवान विष्णु के रूप में भी हमारे गुरुदेव हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त तथा पुरुषार्थ द्वारा जागृत सत तत्व सत आकांक्षाओं परंपराओं के पोषण विकास के लिए पालनकर्ता विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं अपने गुरुदेव की छवि में, जिनकी कृपा से ही पोषित सत तत्वों से धरती पर स्वर्ग का अवतरण साकार होगा। भाव भरा ध्यान आवाहन। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ॐ विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि रुद्रयावाहनम्। तीसरी महाशक्ति भगवान रुद्र। संतुलन बिठाने के हमारे समर्थ सत्ता कल्याणकारी परिवर्तन चक्र के अधिष्ठाता भगवान शिव का अपने गुरुदेव के रूप में भाव भरा आवाहन करते हैं, अवांछनीयताएं घटें, सत प्रवृत्तियां हमारे जीवन में आए, इस भाव से उनका भाव भरा आवाहन। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतयिषवे नमः बाहुभ्यानुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि व्यास वंदना। भगवान व्यास जी का भी जन्मदिवस है। पूज्य गुरुदेव के रूप में वे हमारे अंतरंग के कषाय कलमशों को हटाने के लिए सृजन किया साहित्य का, विद्वत्ता प्रतिभा को आदर्शोन्मुख बनाने की प्रबल चेतना के रूप में वे हम सबके जीवन में अवतरित हों। उनके प्रभाव से ही प्रतिभा मनीषा का भटकाव रुकेगा, कल्याण के मार्ग खुलेंगे, इसी भावना के साथ भगवान व्यास जी का आवाहन। ॐ व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ताः कलिग्रहात्। नमः सर्वविदितास्मै व्यासाय कविवेदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् यो वर्षमिव भारतम्। ॐ श्री व्यासाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि षोडशोपचार पूजनम्। भाव भरा आवाहन। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का किया गया, उन्हीं के रूप में त्रिदेव प्रमुख शक्तियों के सहित भगवान व्यास जी का आवाहन किया गया। अब उनका षोडशोपचार विधि से भाव भरा पूजन संपन्न कर रहे हैं। जिस पदार्थ का नाम लिया जा रहा है यहाँ से मन ही मन ध्यान करना, उसे हम समर्पित कर रहे हैं। हम सबके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ श्रद्धेय द्वय पूजन संपन्न कर रहे हैं, आप उनका साथ दें। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि
अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धूपम आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। घनीभूत गुरु चेतना को हम सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतम् प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं परं महाकालममुं नमाम्यहं। अपना दाहिना हाथ मुट्ठी बांध करके ऊंचा कर लेंगे, संकल्प यहाँ से दोहराते हैं शब्दावली जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब जे जी कहेंगे अभी अपने संदेश में, उसे प्राणपण से निभाना है इस भाव का संकल्प। अपना नाम लेंगे फिर बोलें अहम अद्य अद्य गुरु पूर्णिमा पर्वणि पर्वणि गुरु रूपेण मार्गदर्शन सहयोगदात्री ईश्वरीय सत्तायाश्च दिव्यानुशासनम अद्य प्रभृति आज से लेकर के जब तक हमारे शरीर में चेतना है तब तक निभाते रहेंगे ऐसा भाव। जीवन पर्यंतम परिपालनस्य श्रद्धापूर्वकम् संकल्पम् अहम् करिष्ये। पूजन का क्रम संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा समर्पण का पर्व है। गुरु के चरणों में सच्चा समर्पण शिष्य का हो इसकी याद दिलाता हुआ ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हम आप सभी ने श्रद्धा सिक्त अंतःकरण से गुरु चरणों का पाद्य पूजन किया है। अब आइए यहां से इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम दिव्य संदेश ग्रहण करने जा रहे हैं। उससे पूर्व शांतिकुंज संगीत विभाग के उद्गाता बंधुओं के द्वारा अपनी स्वर लोहर के माध्यम से हमारे हृदय के तारों को झंकृत करके उन्हें खोलेंगे, क्योंकि कहा गया है संगीत है शक्ति ईश्वर की हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। इसी उद्देश्य की पूर्ति में शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य को अपने गुरु के लिए क्या करना चाहिए, सच्चा समर्पण क्या होता है, शिष्य का आचरण क्या होता है और शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, इन दिव्य भावों को लेकर संगीत विभाग के भाइयों के द्वारा यह दिव्य प्रस्तुति। मातरम भगवती देवी श्री राम च जय
जैसे शिष्य विवेकानंद गुरु के सच्चे शिष्य पाए, जैसे शिष्य विवेकानंद Yeah.
गुरु के सच्चे शिष्य का है। जैसे शिष्य विवेकानंद, शिष्य शिवाजी चंद्रगुप्त हो, आरुणी शिष्य बुद्ध आनंद। भाइयों बहनों, हमारे सनातन धर्म की संसार को सबसे बड़ी देन है यह गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें शिष्य कैसे हो और हमारे पौराणिक ऐतिहासिक शिष्यों के यश गान को हम सभी ने यहां पर भावपूर्वक श्रवण किया। अब इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी आत्मचिंतन करें कि हमें भी कैसे शिष्य बनना है, कैसे शिष्य होते हैं और कैसे हमको बनना है। आत्मचिंतन का विषय है गुरु पूर्णिमा, है समर्पण का समय गुरु पूर्णिमा, प्राण का उत्सर्ग हो गुरु कार्य में, बनाती हमको अभय गुरु पूर्णिमा। पुनः उद्गाता बंधुओं के द्वारा एक और पुष्प परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में समर्पित है। हम सभी उससे प्रेरणा ले, गुरु पूर्णिमा आई गुरु वंदन कर ले, इस दिन सभी स्वयं अपना विश्लेषण कर ले, विश्लेषण कर ले। संगीत विभाग के भाइयों के द्वारा यह दिव्य प्रस्तुत है। गुरुवर के अमृत अंदान से यह जीवन धन्य बनाए, गुरु
इसलिए भटकता है, जो सबसे पाने को हृदय लगता है, इधर उधर मन अब किसलिए भटकता है, जो सबसे पाने को हृदय लगता है। सभी स्वयं का विश्लेषण कर ले, इस दिन सभी स्वयं का विश्लेषण कर ले, गुरु पूर्णिमाई गुरु बंधन कर ले, गुरु पूर्णिमाई गुरु बंधन कर ले, इस दिन सभी स्वयं का विश्लेषण कर ले, इस दिन सभी स्वयं का भाइयों बहनों, गुरु के अनुदान वरदान अनंत है, हम सब उनके ऋण से उऋण हो सके ऐसे कुछ कार्य करने का संकल्प लेने का यह शुभ अवसर है। अभी हमने गीत में भी सुना, अगले काम बहुत ही ऊंचे हैं, उन कामों के लिए भी अभी हम बौने हैं। हमारी ऊंचाई कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भाइयों बहनों, इस मंगलदायी अत्यंत शुभ अवसर पर हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के बीच श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेय जीजी अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से इस मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं। हम सभी के लिए अत्यंत प्रेम स्नेह एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति विराट गायत्री परिवार के समर्पित परिजनों की श्रद्धा का केंद्र संयम साधना की मूर्ति आध्यात्मिक उत्थान के जीवंत प्रतिमा जिन्होंने नारी समाज के माननीय गौरवास्पद और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए ऐसी हम सबकी जीजी हम सबके बीच में विराजमान है, जिनकी करुणा दया ममता का कभी अंत नहीं होता, जिनके रोम रोम में त्याग की स्नेह गाथा समाहित है, जिनके नेत्रों में
वह दिव्य चेतना फूटते रहती है जो हम सबकी प्रगति उन्नति सुखी समुन्नत जीवन की कामना करती रहती है। श्रद्धेया जीजी का जीवन समर्पित रहा है परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के चरणों में, उनके अनुशासन में तथा उनका जीवन गुरु सत्ता रूपी माता पिता के सामाजिक आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति भी समर्पित रहा है। आज लाखों करोड़ों गायत्री परिवार के साधक हम सब पर अपने जीवन के सभी सुख न्योछावर करने वाली हम सभी की स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी की साकार प्रतिमा के रूप में हम सभी श्रद्धेया जीजी को देखते हैं। केवल देखते ही नहीं है वरन भाइयों बहनों उनका अनंत कोटि प्यार स्नेह ममत्व एवं दुलार पाकर हम सभी अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। प्रेम एवं संवेदना की साकार प्रतिमा श्रद्धेया जीजी से लाखों परिजन उनका आशीर्वाद पाने शांति को जाते रहते हैं। मात्र उनका दर्शन करने एवं उनकी स्नेह पूरी करुणामय वाणी सुनने को लोगों को वाणी सुनने से ही लोगों की कष्ट कठिनाइयां दूर होती हुई चली जाती है। ऐसी परम श्रद्धेया जीजी को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्तियां विरासत के रूप में उनको हस्तांतरित हुई है और ये उनके जीवन की एक महान उपलब्धि है और इस विरासत को श्रद्धेया जीजी भली प्रकार निर्वाह भी कर रही है। श्रद्धेया जीजी से भेंट परामर्श के दौरान हम सब यह अनुभव भी करते हैं। भाइयों बहनों ऐसी श्रद्धेया जीजी हम सबके बीच में विराजमान है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन शुभ अवसर पर हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। वे हम सभी को अपने विचारों से अपने वाणी के माध्यम से गुरु के प्रति किस प्रकार का हमारा समर्पण होना चाहिए, कैसे हम गुरु कार्य को अपने हृदय में स्थापित करके आगे बढ़ते रहें, ऐसी दिव्य भावनाएं उनसे हम ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परम श्रद्धेया जीजी गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, आत्म अनुशासन आत्म नियंत्रण का दिन, श्रद्धा के आरोपण का दिन और श्रद्धा के आरोहण का दिन, आत्म निरीक्षण का दिन, आज का दिन बहुत पावन दिन है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। भगवान का राजकुमार, ईश्वर का राजकुमार, भगवान ने बहुत सारी शक्तियाँ बहुत सारी चीज़ें देकर इस पृथ्वी पर भेजा। बौद्धिक क्षमता का कोई ठिकाना नहीं। कितनी ही विशेषताएं मनुष्य के अंदर विराजमान हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में वो अन्य प्राणियों की तुलना में रोज़ की दिनचर्या वाली बातों में भी पिछड़ जाता है। कैसी दिनचर्या वाली बातें? जैसे बोलना है, खाना है, चलना है, ये भी कोई दूसरा सिखाता है तब सीख पाता है। अन्य प्राणी अपने आप इस काम को करना शुरू कर देते हैं। अफ्रीका के जंगलों में एक भेड़िया आई और भेड़िया एक मानव के बच्चे को उठा के ले गए। वहाँ जाके उनको कुछ ऐसा लगा, ममता जागी जानवरों के अंदर, हिंसक जानवर के अंदर। उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं, उसको दूध पिलाकर बड़ा किया। वो बालक बड़ा हुआ, जिनके बीच में रह रहा था, भेड़ियाओं के बीच में, उसने भेड़ियों की तरह से चलना घुर्राना वो सब बातें सीख ली। वो जिनके साथ में रह रहा था, मानवोचित गरिमा मिलने के बाद भी बहुत सी बातें जो दूसरे सिखा जाते हैं वैसे ही आदमी सीख जाते हैं। इस वातावरण में
अच्छे तत्वों की तुलना में बुरे तत्व बहुत सारे भरे पड़े हैं। इसके लिए ऋषियों मुनियों ने बहुत चिंतन मनन किया। ये कहा, बच्चे की पहली गुरु कौन? माता होती है, जो सबसे पहले बच्चे को सब बात सिखाती है। माता के साथ साथ पिता है जो अनुशासन सिखाता है। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी एक किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मनोविज्ञान की दिशा धारों को जानता हो और आदमी के मन में क्या गहरे में बैठा है, इस वातावरण में क्या कुसंस्कार भरे पड़े हैं, वो कब मानव के मस्तिष्क पर हावी हो जाएंगे और कब वो स्वभाव और संस्कार बदल जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं, उनको वो दूर कर सके। इसलिए गुरु की खोज की गई एक ऐसे व्यक्ति की जो घर से बाहर हो और आदमी पर पूरा नियंत्रण कर सकता हो, उसके दोष दुर्गुणों को साफ कर सकता हो। इस वातावरण में, इस सृष्टि में तीन तरह के लोगों से लोगों इस सृष्टि का निर्माण और विकास क्रम माना गया। कैसा? पहला, जन्म माँ के हिसाब से। कोई आदमी अगर ये कह दे कि मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया तो ये माना जाएगा ये बिल्कुल झूठा आदमी है। माँ के बिना जन्म कैसा? और कोई अगर ये कह दे मैं बिना पिता का हूँ तो वो भी झूठा माना जाएगा कि बिना पिता के बच्चे वर्ण संकर कहलाते हैं और ये केवल वैश्यालयों में ही माने जाते हैं। और अगर कोई ये कह दे मैं बिना गुरु का हूँ तो ऐसे व्यक्तियों को निगुरा कहा जाता है, जिन व्यक्तियों के मानसिक विकास पर किसी का नियंत्रण न हो, ऐसे आदमी को असंस्कृत और असभ्य कह दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में निगुरा कहा जाता है। गुरु को एक कुम्हार की संज्ञा दी गई। ये कहा गया, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय के काढ़ निकाले खोट। गुरु ऐसा कुम्हार है जो प्यार का हाथ लगाता है घड़े के अंदर, कच्चे घड़े के अंदर, ऊपर से चोट देता जाता है, इसके अंदर कहाँ बुराई है, कहाँ कच्चापन है, कहीं फूट तो नहीं जाएगा, अंदर से सहलाता रहता है और उस घड़े का विकास करता रहता है। आदमी के विकास के लिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी अंतर चेतना को जागृत करने के लिए। गुरु अश्वालयन जी को सबसे ज़्यादा गर्व इस बात का था कि उनके जितने भी शिष्य थे वो सब ऊंचे ऊंचे स्थानों में कुरुपद पर विराजमान थे, चाहे सेनापति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, सब अच्छे अच्छे स्थानों पर मौजूद थे। मन ही मन बहुत प्रसन्न रहते थे कि इस गुरु के शिष्य सब सुयोग्य हैं, अच्छे नागरिक हैं। लेकिन एक दिन उनको ये मालूम पड़ा कि उनका एक शिष्य देवव्रत दस्यु बन गया है, डाकू बन गया है। गुरु अश्वारण को बहुत दुख हुआ और वो अपने शिष्य को समझाने निकल पड़े। लोगों ने बहुत समझाया, गुरुदेव अब वो इस तरह का डाकू बन गया है कि उसको मारने काटने में या किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता। गुरु अश्वारण कहने लगे, मैं अपने शिष्य के पास जा रहा हूँ, अपने पुत्र के पास, पुत्र के तुल्य उसके पास जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। अश्वालयन चल दिए। काली अंधेरी रात थी, बारिश भरी, बारिश हो रही थी। गुरु चलते जाते थे और वहाँ पहुँचने लगे जहाँ देवव्रत डाकू का ठिकाना था। वो आगे बढ़ते जाते थे, देवव्रत ने देखा कोई छाया चली आ रही है, उसने ललकारा, पथिक रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो मैं सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन अश्वारण रुके नहीं। जब आगे बढ़ते गए तो देवव्रत की तलवार उठी और अश्वारण के सिर पर जा टकराई। खून का फारा फूटा, तभी आकाश से बिजली कौंधी। देवव्रत को मालूम पड़ा एक चीख के साथ कि जिस पर प्रहार किया है वो और कोई नहीं, उसके गुरु ही हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कहने लगा, गुरुदेव ये आपने क्या किया? गुरु अश्वारण कहने लगे, बेटे मेरे शिक्षण में जरूर कोई कमी रह गई थी, उसकी वजह से आज तुम इस रास्ते पर चले, इसका दंड तो मुझे मिलना ही था। और यह कहकर अश्वारण के प्राण छूट गए। देवव्रत ने उसी दिन संकल्प लिया, अपना दस्यु कार्य छोड़ा और गुरु कार्यों में समर्पित हो गया।
गुरु ने अपने बलिदान देकर भी अपने शिष्यों को सही रास्ते पर चलाने के लिए अपनी सारी प्रक्रियाएं दांव पर लगा दी। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने बहुत साल तक गायत्री साधना के बाद जिस ज्ञान को पाया था, उस ज्ञान को चार भागों में विभक्त किया था, जो क्रम से चार वेद कहलाए। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास वो व्यक्ति जो स्वयं चरित्रवान हो और दूसरे को चरित्रवान बनाने के लिए कृत संकल्पित हो, अपनी वाणी, अपनी लेखनी और अपने आचरण के द्वारा जो लोगों की दिशा धारा बदलने की सामर्थ्य रखता हो। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उसके बाद भी उनका मन अशांत हो गया। एक दिन इतना ज्ञान का असीमित सागर लिखने के बाद मन अशांत, वो अपने गुरु नारद जी के पास पहुँचे। कहने लगे, गुरुदेव, ज्ञान का इतना अटूट सागर लिखने के बाद, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या सब लिखने के बाद भी मन में शांति तृप्ति नहीं है। नारद जी कहने लगे, बस बिना भाव संवेदनाओं को जागृत किए भक्ति नहीं मिलती, और बिना भक्ति के शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना तृप्ति संभव नहीं है। अब तुम उस चीज़ की रचना करो जिससे लोगों के भाव संवेदनाएं जागृत हो, भक्ति जागृत हो, शांति तब मिल सकती है। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। इस संसार में तीन तरह की शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति का नाम है श्रम की शक्ति, जो आज जितनी भी प्रगति दिखाई पड़ती है वो श्रम की शक्ति की वजह से है। चाहे सड़कें बनी, चाहे पुल बनी, चाहे बाकी प्रगति है, धन की शक्ति श्रम की शक्ति के साथ चला करती है। धन और यश, ये दोनों जहाँ श्रम होगा उसके साथ अपने आप नियोजित हो जाती हैं। दूसरी शक्ति है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान जिसे मिल जाता है वो हाड़ मास का पुतला देवता बन जाता है, और ज्ञान जिसे नहीं मिलता वो नर पशु बन जाता है। एक दिन दारा शिको मस्ती में झूमते चले आ रहे थे। उनकी पुत्री जीवन्नुसा बोली, अब्बा जान, आप तो कभी शराब पीते नहीं थे, तो आज क्या है आप इतने नशे में, इतनी मस्ती में झूमते चले आ रहे हैं। दारा शिको कहने लगे, बेटा, आज मैंने वो नशा किया है जो दुर्लभ लोगों को मिला करता है। आज मैंने हिंदुओं के उपनिषद पढ़े हैं, ज्ञान का वो भंडार पड़ा है कि आज उसका नशा जो चढ़ा है पग सीधे पड़ते नहीं है। ज्ञान जिसको मिल जाता है वो निहाल हो जाता है। तीसरी शक्ति है भावों की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति। भावों कहते हैं, भावों में भगवान बसते हैं। भाव जिस किसी पे भी आरोपित हो जाते हैं वो मन चाहे मुराद देने लग जाता है। मिट्टी में गुरु पैदा कर देता है और पत्थर में भगवान मिल जाते हैं। एकलव्य को माटी के गुरु द्रोणाचार्य तीरंदाजी सिखाया करते थे। मीरा को पत्थर के कृष्ण गोपाल उसका जहर का प्याला पिजाया करते थे, और रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथों से अपने भक्त को भोजन करा दिया करती थी। श्रद्धा जहाँ जुड़ जाती है वह निहाल हो जाते हैं। एक महिला बहुत कृष्ण भक्त थी और बहुत दिन से वृंदावन जाने की उसकी चाह थी, जा नहीं पाती थी। शादी हुई तब से सोच रही थी, अब वृंदावन जाऊंगी, अपने कृष्ण कन्हैया के द्वारे जाऊंगी। शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की भी शादी हुई, लेकिन वो जा नहीं पाई। एक दिन सोचने लगी, अगर ऐसी गृहस्थी में जंजाल में फंसी रही तो कभी नहीं जा पाऊंगी। अब बुढ़ापा भी आया और एक दिन भगवान का भी बुलावा आ जाएगा और मैं तो रह जाऊंगी। उस दिन उसने ठान लिया कि आज तो वृंदावन जाना ही। वो बुढ़िया वृंदावन चली गई। वहां से जब लौट के आई तो कृष्ण गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति पीतल की साथ ले आई। वो पीतल की मूर्ति उसको इतना लगाव कि अपने हाथ से नहलाना, अपने हाथ से खिलाना, अपने हाथ से सुलाना, रात को भी काना सोया कि नहीं सोया, लाला सोया कि नहीं सोया, कहीं उघड़ तो नहीं गया, बार बार नींद में से उठ के ये देखा करती थी मेरे लाला के क्या हाल है,
उसके साथ हंसती थी, उसके साथ बोलती थी, ठीक उसी तरह से जितना हम किसी साकार बालक के साथ जुड़ जाते हैं उतनी ही वो बुढ़िया उस मूर्ति के साथ जुड़ गई। एक दिन उस बुढ़िया की बहू बोली कि माँ जी आज जरूरी काम से मुझे जाना है, मुझे आने में देर हो जाएगी। वो बुढ़िया किसी काम में लगी थी, उसने कहा बेटा मेरे लाला का थोड़ा सा काम कर जा, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। बहू हड़बड़ी में थी, उसने लाला की मूर्ति उठाई, जैसे ही उठाई हाथ से छूट गई, हाथ से छूट गई, जमीन पे गिरी तो बुढ़िया चीख मार मार के रोने लगी, आंसू बहाते बहाते उस बेदम हो गई कि मेरे लाला को इतनी चोट लगी, इतना जोर जोर से रो रहा, अरे मेरे लाला को कोई बचाओ, मेरे कन्हैया को कोई बचाओ। उसका रोना सुन के उसका बेटा दौड़ा आया, माँ क्या बात हो गई, अरे मेरे लाला को मेरे कन्हैया को देख कितनी चोट लगी है, कितनी जोर जोर से रो रहा है। माँ का रोना देख के बेटा भी ये सोचने लगा माँ तो पागल हो गई, कहीं पीतल की मूर्ति को भी कहीं चोट लगती है। उसने बहुत समझाने की कोशिश करी, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको चोट नहीं लगती, इसको चोट नहीं लगी। लेकिन माँ थी कि माँ के भाव कंट्रोल में आते नहीं थे, वो बराबर रो ही जाती, दहाड़े मार मार के रोए, तुम देख नहीं रहे हो कितनी जोर जोर से रो रहा है मेरा लाला, कभी छाती से लगाती, कभी थपकी देती। लेकिन उसका रोना काबू में नहीं आया। मोहल्ला पड़ोसी इकट्ठे हो गए, मोहल्ला पड़ोसियों ने कहा देख बेटा तेरी माँ की स्थिति इस समय बहुत ऊँची है, कोई डॉक्टर आके अगर इसको ये कह दे कि लाला को कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, तो ये शांत हो जाएगी। बेटे को ही बात समझ में आई, उन्हें डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आप आ जाइए और मेरी माँ को बोल दीजिए तेरा बेटा लाला बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने सोचा इतने से काम के लिए मूर्ति के लिए हम बेकार समय खराब करें, कोई डॉक्टर नहीं आया। उन्हें कि अपना समय बर्बाद करने से अच्छा हम दूसरा पेशेंट देखेंगे तो फीस मिलेगी। पर एक डॉक्टर को उन्हें ये कहा डॉक्टर साहब आपको हम उचित फीस भी देंगे, जितनी आप फीस मांगो उतनी फीस दे देंगे, पर आप आओ तो सही। आखिर एक डॉक्टर आने को तैयार हो गए, आए, उन्होंने देखा, उन्होंने पीतल की मूर्ति को हाथ में लिया, उल्टा पलटा, बोले माई तेरा कन्हाई बिल्कुल ठीक है, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। बुढ़िया बोली डॉक्टर साहब अभी तो आपने अपनी पेटी में से कान में लगाने वाली मशीन भी नहीं निकाली। अब डॉक्टर साहब चौकन्ने हुए, उन्होंने अपनी पेटी में से स्टेथोस्कोप निकाला, कान पे लगाया, कैसा ना वो बढ़िया फिट टोक दे। उन्होंने कान पे लगाया, फिर मूर्ति के ऊपर रखा, जैसे ही उन्होंने मूर्ति के ऊपर रखा डॉक्टर साहब को पसीना आ गया। कभी वो बुढ़िया की ओर देखते, कभी मूर्ति की ओर देखते, अब वो देखते देखते डॉक्टर साहब इतने पसीने में लथपथ कि अपना स्टेथोस्कोप वहीं छोड़कर वहाँ से उठ के चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि भाइयों बहनों उस मूर्ति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो धड़कन सुन के डॉक्टर को पसीना आ गया। अब वो डॉक्टर उठ के चल दिए तो बुढ़िया कहने लगी अरे डॉक्टर साहब अपना सामान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर साहब कहने लगे माई मैंने पूरी मेडिकल की पढ़ाई में ये पढ़ाई कभी नहीं पढ़ी, लेकिन अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। और डॉक्टर उस माई के रास्ते पर चल दिए। आध्यात्म की जितनी भी शक्ति है वो श्रद्धा पर निर्भर है। श्रद्धा जिसकी जितनी प्रगाढ़ होगी उसको अपने गुरु के अपने भगवान के उतने ही अनुदान मिलते रहेंगे, और श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं है तो उसको अनुदान मिल पाएंगे भाई? अनुदान मिल नहीं पाएंगे। गंगा जी किनारे एक पंडित जी बैठा करते थे, लोग रोज बहुत आते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे, नाव से नदी पार करते रहते थे, रोज का क्रम था, कुछ सत्संग वाले भी बैठ जाया करते थे। एक दिन कुछ लोग आए, उनको नदी पार करके जाना जरूरी था लेकिन नाव कोई थी नहीं, अब चाहे थोड़ी देर इंतजार करते रहे अब शायद नाव आ जाए, पर नाव आई नहीं। अब वो थोड़ी देर में परेशान होकर पंडित जी से पूछने लगे पंडित जी नाव कितनी देर में आएगी, हमको पल्ली पार जाना है, क्या करें?
उनकी बेटा नाव का तो पता नहीं। तो बोले तो फिर कोई तरीका हो सकता है? बोले हाँ तरीका तो हो सकता है, हमारे पास एक करामाती मंत्र है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। बोले क्या? पर शर्त यही है कि पूरी श्रद्धा के साथ बोलोगे तो तुम्हें उसका फ़ायदा मिल जाएगा। बोले अगर नहीं मिला तो? बोले अगर नहीं मिला तो ऐसा करो, ये जितने लोग बैठे हैं ना इनसे कह दो हमारे हाथ पैर बांध दें और पटक दें, और तुम नदी में डूबो तो हमको भी डूबो दें। उनको भरोसा हो गया ये कुछ काम की बात हो सकती है। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या करें? उन्होंने कान में धीरे से कहा, बेटा राम राम सच्चे मन से बोलते हुए चले जा। वो व्यक्ति राम नाम सच्चे मन से बोलते हुए चलते हुए चले गए और नदी पूरी पार करते हुए चले गए। आधा घंटे में पूरी नदी पार हो गई। उनको देखने वाले जो और लोग थे वो हैरान, बिना नाव के केवल नदी पार। उनमें एक मुस्लिम भाई भी थे, वो भागे भागे अपने मौलवी जी के पास पहुँचे। बोले मौलवी जी हिंदुओं का मंत्र इतना करामाती कि बिना नाव के नदी पार कर गए, आपके पास नहीं है कोई? बोले हमारे पास भी है, हमारा मंत्र उनसे भी ज़्यादा ऊँचा है। बोले क्या? बोले हम पार कर सकते हैं। बोले बिल्कुल। तो बताओ? बोले तुम ऐसा करो, तुम खुदा खुदा बोलो। उन्हें भी खुदा खुदा सच्चे मन से बोला, वो भी पार हो गए। उन समय एक तीसरे व्यक्ति भी थे जो ये सब कार्यक्रम देख रहे थे। उन्होंने देखा राम नाम बोला आधा घंटे में नदी पार, खुदा खुदा बोला आधा घंटे में नदी पार, क्यों ना ऐसा किया जाए राम और खुदा अगर दोनों को मिला के मिक्सर तैयार कर दिया जाए तो 15 मिनट में नदी पार। तो उन्होंने कहा अब जो है अगर ये हमारा प्रयोग सफल हो गया तो अपनी दुकान तो आ गई मौज में। उन्होंने कहा कि अब करने के पहले अपना फार्मूला किसी और को दो, उसके पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। अब उन्होंने जो है प्रयोग करना शुरू किया, नदी पे चलना शुरू किया, राम खुदा राम खुदा राम खुदा, दो चार बोले वहीं वहीं डबक गए। जिनकी श्रद्धा में तिकड़म होती है वो बीच मझधार में डूब जाया करते, और जिनकी श्रद्धा प्रबल होती है वो केवल राम नाम का आश्रय लेकर ये नदी तो क्या भवसागर की नदी भी पार कर जाते हैं। ये श्रद्धा, गुरुदेव कहते रहे हम अपनी श्रद्धा की लाठी टिकाए वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ लोग आज हमें देखते हैं। हमारी राह में लोभ के झोंके आए, मोह के झोंके आए, कोई झोंका पकड़ के पीछे न खींच ले, इसके लिए हम बराबर अपनी परीक्षा लेते रहे। हमारा गुरु, हमारा भगवान, हमारा सब कुछ वो है जो मोर मुकुट नहीं पहने, जो चैन की बंसी बजाए हुए नहीं है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, वो दरिद नारायण मेरा गुरु, मेरा उपास, मेरा भगवान है, जिसकी जिंदगी भर मैंने आराधना की है और अपनी आराधना की, अपनी श्रद्धा की जिंदगी भर परीक्षा देते रहे। जो भी कुछ था, कहीं कोई बाधा बीच में ना आ जाए, इसलिए हर चीज़ छोड़ते हुए चले गए। पैतृक संपत्ति जो थी वो गाँव की गाँव में छोड़ दी, शक्तिपीठ से लेके विद्यालय से लेके कन्या विद्यालय से लेके बच्चों के विद्यालय तक, शक्तिपीठ तक, सब वहाँ का वहीं दान कर दिया। अपनी बौद्धिक सामर्थ्य जितनी भी थी 3200 पुस्तकें लगा लिख के सारे समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दी। माता जी का जितना भी जेवर था वो तपोभूमि के लिए दान देते हुए चले गए। कितनी भी कठिनाइयाँ उनके रास्ते में आई उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमें याद है आज भी वो दिन जब अखंड ज्योति में 17 साल तक बिना बिजली के, बिना बल्ब के, केवल लाल मिट्टी के तेल की लालटेन में 17 साल गुजारे थे। उसी में गुरुदेव का दैनिक पूजा वंदन भी था, उसमें साहित्य सृजन भी था। चाहे कितनी ही गर्मी हो, आज तो जरा सी गर्मी होती है लाइट चली जाती है तो रात को नींद नहीं आती। लोग कहते हैं इन्वर्टर क्यों नहीं चला, अरे जनरेटर क्यों नहीं चला, एसी क्यों नहीं चला, थोड़ी सी भी मौसम सहन करने की याद नहीं। लेकिन कितनी ही गर्मी रही, कितनी भी सर्दी रही, कितनी भी बारिश रही, लेकिन उसमें भी उनकी साधना, उनकी तपश्चर्या
नियमित बनी रही, अपनी श्रद्धा को उन्होंने डगमगाने नहीं दिया। सन 94 में माताजी अपनी काया को समेटना शुरू कर दी थी। आज भी याद है सन 94 की वो दिन जब माताजी यहाँ नहीं थी, दिल्ली में थी। गुरु पूर्णिमा का दिन नज़दीक आया, आप में से जो लोग पुराने होंगे उनको शायद याद होगा, गुरु पूर्णिमा का दिन नज़दीक आया, माताजी ने वहाँ से भेजा और ये कहा, बेटा मेरे बच्चों से कहना आज वो मुझे नहीं देखते होंगे तो परेशान हो रहे होंगे, पहले पिता का संभल था फिर माँ ने मोर्चा संभाला, लेकिन आज माँ भी सशरी नहीं दिखेगी तो परेशान हो जाएंगे, मेरी उनसे एक ही बात कह देना, माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रही, उनकी हर कष्ट कठिनाई अपने बच्चों के साथ है, उनकी हर पीड़ा माँ हर जगह अनुभव कर लेती है, विश्वास रखें मेरा संरक्षण हमेशा उनके साथ है, मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया है, उनकी हर परेशानी अनुभव की है। गुरुदेव माता जी ने जिंदगी भर प्यार लौटाया, इतना प्यार लौटाया कि लोग निहाल हो गए। एक बहुत पुरानी घटना है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, गुजरात के जाधव जी भाई ठक्कर बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत अच्छा कारोबार था उनका, लेकिन अचानक ही उनको झटका लगा और व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उनको कहीं से मालूम पड़ा कि गायत्री के सिद्ध पुरुष मथुरा में हैं, वो गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के पास आके खूब रोने लगे, बहुत देर तक रोते रहे, गुरुदेव उनको सहलाते रहे, पीठ पे हाथ पिलाते रहे, बेटा क्यों परेशान है। जब वो खूब रो लिए, उनका पेट हल्का हो गया, सब उन्हें अपने मन की बात कह ली, गुरुदेव कहने लगे, बेटा जिंदगी है उतार चढ़ाव आते, तू परेशान मत हो, आज से तेरी सब जवाबदारी हमारी है, तू चिंता मत कर, वापस जा, भगवान ने तुझे अभी बहुत दिया है और फिर से तेरा कारोबार चलेगा। उनको मनोबल देके घर भेजा, थोड़े दिन में कारोबार फिर से पलट लगाया और फिर से विकास की सीढ़ी चढ़ने लगे। विकास की सीढ़ी जितनी चढ़े, जब उनको उसमें प्रॉफिट होने लगा, गुरुदेव के पास आए। ये बात कब की है, ये 55-60 के बीच की बात है। वो उस समय उन्होंने 100 रुपये गुरुदेव के पास रखे, उन्होंने गुरुदेव मेरी प्रॉफिट में से पहला हिस्सा आपके लिए। गुरुदेव कहने लगे, बेटा मैं तो अप्रग्रही ब्राह्मण हूँ, अपना तो मेरा कुछ नहीं, जो भी कुछ है मिशन है, पर उनको साथ लेके वो चल दिए। कहाँ पहुँचे, विश्राम घाट, उन्होंने वहाँ से 100 ऊनी बंडियाँ खरीदी 100 रुपये की और 100 लोगों को जाड़े के दिनों में वो सारी बंडियाँ वितरित करवा दी। उन्होंने कहा इससे उन 100 लोगों का भला होगा ठंड में, जिनके पास ऊनी कपड़े नहीं है, ठंड से कांप रहे, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। जाधव जी भाई एक अपरग्रही ब्राह्मण को देकर श्रद्धान्वित हो गए, आज उनकी 4थी पीढ़ी मिशन में काम कर रही है, इस मिशन को भावनाशीलों ने जिंदा रखा है। वो लोग जिन्होंने न दिन देखा है न रात देखी है, अपनी श्रद्धा लोक मंगल के रास्ते पर नियोजित करते हुए चले गए हैं। एक उस हिट पिक्चर की तरह से, जिसमें पर्दे पे भले ही कोई नायक दिखा हो, लेकिन हर एक का उतना महत्वपूर्ण स्थान रहा, चाहे वो पटकथा लेखक रहा हो, चाहे पर्दे उठाने वाला हो, चाहे संगीत वाला हो, चाहे और भी कोई रोल करने वाला हो, सबका उतना महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये मिशन इन्हीं भावनाओं पे आगे बढ़ता रहा। श्रद्धा जब कभी भी उभार खाती है तो हारे थके बूढ़े जटायु के अंदर भी वो साहस भर जाती है कि संस्कृति की सीता का हरण देकर चुप न रहकर महाबली रावण से टकराने का साहस कर जाता है। और वो रीच पानर जिनके हाथ में कुछ नहीं, अपने श्रद्धा के भाव परे छलांग लगाते हुए चले जाते हैं, समुद्र पे सेतु बांध जाते हैं और लंका को फूंक आते हैं। वो शबरी, वो गिलहरी अपनी रोमों में बालू भर भर कर राम के पुल को बांधने के लिए अपने आप को समय दान में नियोजित कर जाती है, छोटी सी गिलहरी। और वो शबरी जिसके पास कुछ नहीं था,
अपनी श्रद्धा के संचित बेर लेकर राम के चरणों में अर्पित हो जाती है। इस मिशन को इसी श्रद्धा ने, इन्हीं भावनाशीलों ने आगे बढ़ाया है और सींचा है। भगवान करे गुरुदेव इनकी श्रद्धा का निरूपण करें और अनुदानों की वर्षा करें। ओम शांति। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्रद्धा जीजी ने हम सबके अंतरंगहरण को झकझोरा है और गुरु कार्य करने की अनंत प्रेरणाएं हमको प्रसिद्ध की है। अगले क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा था अपने अंग अवयव से। उस पत्रक में उन्होंने लिखा था, हमारा कोई भी कार्यकर्ता हनुमान से कम स्तर का ना हो। इन्हीं कुछ भावों को लेकर संगीत विभाग के उद्गाता बंधुओं की ओर से गीत प्रस्तुत हो रहा है। युग ऋषि के हम राजदूत हैं, स्वीकारे यह शान से, हम में से कोई कम होगा कभी नहीं हनुमान से, कभी नहीं हनुमान से। हर पल हर क्षण गुरु महिमा का ध्यान धरें विश्वास करें, श्रेष्ठ समर्पण करके गुरु को जन जन का कल्याण करें, जन जन का कल्याण करें। युग ऋषि के हम राजदूत हैं, स्वीकारे यह शान से, के हम राजदूत हैं, स्वीकार एहसास से, हम में से कोई कम होगा नहीं कभी हनुमान से, हम में से कोई कम होगा नहीं कभी हनुमान से। गुरु अरविंद मूल श्री राम, गुरु ऋषि कपोविंद श्री राम, गुरु अरविंद मूल श्री राम, युग ऋषि कपोविंद श्री राम। भगवान भी से जितना लेना है ले लेता उतना काम भी, जिससे जितना लेना है ले लेता उतना काम भी, कर लेता है कार्य अकिंचन भी तब बहुत महान से, कर लेता है कार्य अकिंचन भी तब बहुत महान से। सास हो समनिष्ठा की पूंजी हर पल भरी हमारी,
घर पर खड़ी हमारे पास हो। जो कर गुजरे मरे न उसके अहंकार अभिमान से, जो कर गुजरे मरे न उसके अहंकार अभिमान। देंगे अपने क्रियाकलाप में, डूबेंगे हम नहीं वेदना या दुख संताप में, डूबेंगे हम नहीं वेदना में या दुख संताप में। मुँह मोड़ेंगे कभी न बाधाओं में जन कल्याण से, मुँह मोड़ेंगे कभी न बाधाओं में जन कल्याण। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी के बीच श्रद्धेय डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, वे बड़े सौभाग्यशाली है जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव का अंग अवयव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शरीर के कुछ अति विशिष्ट अंग होते हैं, सृष्टा अपनी सृष्टि स्वयं करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अंग अवयवों को स्वयं संवारा है। उनमें श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब का नाम प्रथम स्थान पर आता है। उनको भारत में ही रहकर संस्कृति की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो परम पूज्य गुरुदेव ने सौंपा है। परम पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कुछ इस प्रकार गढ़ा है जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को गढ़ा था। आज उनकी पाती अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन लेखन करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब की प्रतिभा और भी अधिक निखर रही है। लाखों लाख गायत्री परिजन अखंड ज्योति के नए अंक मिलने पढ़ने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहते हैं। लोग कहते हैं जब हमें जीवन में निराशा कहीं आ घेरती है तब अखंड ज्योति का प्रकाश मन में उत्साह भर देता है। भले ही इस कार्य में उंगलियाँ श्रद्धेय डॉक्टर साहब की चलती हो पर विचारधारा तो परम पूज्य गुरुदेव की हिमालय के ऋषि चिंतन की ही प्रवाहित होती है। भाइयों बहनों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को तक्षशिला नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल बनाने की आपकी चाह है और उसके लिए उनका जीवन भी तत्परता पूर्वक लगा रहता है। आप कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं व्यवस्था संबंधी कार्यों को देखते ही हैं, साथ ही छात्रों में जीवन विद्या, जीवन मूल्यों का, नैतिक गुणों का विकास कैसे हो इसके लिए भी ध्यान और गीता की नियमित कक्षाएं लेकर
उनका मार्गदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभिभावक के रूप में बच्चों को वह प्यार वह संरक्षण प्रदान करते हैं कि बच्चे अपने सगे माता पिता व परिवार को भूलकर विश्वविद्यालय के गोद में ही सुख से खेलते रहते हैं। पर्वों छुट्टियों के अवसर पर वे घर जाने की अपेक्षा यहीं शांतिकुंज विश्वविद्यालय में रहकर पर्वों को अधिक खुशी के साथ मनाते हैं। वास्तव में यह एक ऐसा आध्यात्मिक प्रयोग है जिसके दूरगामी परिणाम विश्व को का भाग्य विधान बदल कर रख देंगे और भाग्य विधान बदल कर रख देने वाले सिद्ध होंगे। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब युवाओं के भी मार्गदर्शक है, उनके प्रेरणा स्रोत है, उनके रोल मॉडल है। देश एवं विदेशों में आपके मार्गदर्शन में 50 से भी ज़्यादा युवा चेतना शिविर संपन्न हुए हैं, जिसमें विदेशों में 5,000 से अधिक एवं भारत में 1,00,000 से अधिक युवाओं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में प्रकाश स्तंभ का जीवन जी रहे हैं। ये सभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब से सीधे जुड़े हुए हैं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब की एक आवाज पर अपना सब कुछ त्याग कर आश्रम की सेवा के लिए, अखिल विश्व गायत्री परिवार की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सभी के बीच में यहाँ पर हैं। हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमको परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अनुप्राणित करने की कृपा करें। साथ ही भाइयों बहनों, अभी आपको स्मरण दिला दूं कि उत्तराखंड में जो आपदा आई 16 तारीख को, आपदा आते ही जैसे ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जीजू को उसकी खबर मिली, तो भाव संवेदना की प्रतिमूर्ति के रूप में हम आप सभी उनको जानते हैं। उनकी भावनाओं ने, उनकी संवेदनाओं ने ज्वार का रूप लिया और उन्होंने विचार किया कि ऐसे समय में हमको भी बड़ी से बड़ी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। हमारा ये आश्रम इस आपदा में जितने भी लोग ग्रसित है उन सब की सेवा सहायता के लिए हमको सबको आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी जी ने स्वयं यहाँ नीचे आकर के सारी व्यवस्था देखी और जितने भी आपदा ग्रसित लोग थे उन सबको सांत्वना देते रहे, उन सब की व्यवस्था बनाते रहे और आगे आगे भी उत्तराखंड जो आपदा ग्रसित हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी भावी योजनाएं बना करके आपने सबने रखी है। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम प्रार्थना करते हैं इस शुभ अवसर पर अपने दिव्य मार्गदर्शन के द्वारा हम सबका मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, आइए प्रार्थना करें उस प्रसविता सविता से जो ब्रह्मांड का प्रसव करता है, पोषण करता है और उसी के माध्यम से हम लोग शक्ति पाते हैं। सूर्य देवता, सविता देवता, गायत्री मंत्र का देवता है। सविता वास्तव में सही अर्थों में हम सबके आदि पिता हैं और उन्हीं के माध्यम से सारी शक्ति हमें मिलती है। ऐसे सविता देवता जो इन दिनों भारी उथल पुथल से गुजर रहे हैं, ऐसे सविता देवता जो इन दिनों हमसे बहुत बड़े त्याग बलिदान की अपेक्षा रख रहे हैं, ऐसे सविता देवता जो गायत्री के देवता हैं, आइए उनको याद करें, उनको स्मरण करें। आप सभी भावना करें कि हमारे रोम रोम में, कण कण में सविता का प्रकाश समाहित हो रहा है, हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान हो रहे हैं, पारदर्शी बनते चले जा रहे हैं। इस भावना के साथ गायत्री मंत्र, जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए एक साथ गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। श्रद्धा प्रज्ञायुता च।
कण कण में संव्याप्त परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारी बहनों, हमारे भारत के और भारत से बाहर के भी हमारे बहुत सारे ढेर सारे परिजन, शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे सभी कार्यकर्ताओं और वहाँ के हमारे विद्यार्थियों, हमारे मीडिया से जुड़े हुए हमारे भाइयों, भाइयों गुरु को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई हमारे यहाँ जिसकी आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु को कहा गया है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। ये तीनों देवों का जो संगम है वो गुरु में हो जाता है। गुरु परब्रह्म है, इसके बाद परब्रह्म कहा गया है। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि उसने हमारे काया को व्यक्तित्व दिया। काया तो माता पिता ने दी हमको, हमारी काया को जो पर्सनैलिटी मिली, जो व्यक्तित्व मिला, वो ब्रह्मा की वजह से मिला। ब्रह्मा जन्मदाता है, ब्रह्मा ने सारी सृष्टि को जन्म दिया है, तो ब्रह्मा के रूप में हम उनका पूजन करते हैं। शुरू शुरू में आपने देखा हमने और जी ने दोनों ने पूजन किया, तो वो पूजन ब्रह्मा के रूप में गुरुदेव का था। दूसरा, जो व्यक्तित्व को पोषण देने का काम, व्यक्तित्व निरंतर बढ़ता रहे, विकसित होता रहे, व्यक्तित्व ज्वलंत बने, प्रखर बने, व्यक्तित्व परिष्कृत हो और परिष्कृत व्यक्तित्व संपन्न प्रतिभावान व्यक्ति ढेर सारे समाज में बने, इसके लिए विष्णु की भूमिका निभाता है। विष्णु की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि विष्णु की भूमिका के बिना उस व्यक्तित्व को प्राण नहीं मिलते जिस प्राणवान व्यक्तित्व को जन्म दिया था ब्रह्मा ने, तो गुरु विष्णु है। तीसरा है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के विकार आते रहते हैं, अहंकार, अभिमान, दर्प, काम वासना, तृष्णा, लोभ, क्रोध, इन सब का संहार करने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो है शिव में। गुरु शिव का रूप भी है। गुरु हर दृष्टि से समग्र एक प्रकार से देव सत्ता हमारे यहाँ मानी गई है। गुरु ज्ञान का प्रतीक माने गए, ज्ञान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुप्रदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर इस श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए मित्रों, तो हमें सारा का सारा हमारे जीवन में गुरु तत्व ही गुरु तत्व समाहित है और गुरु के बिना जीवन हमारा अधूरा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव जैसे एक दृष्टा मनीषी युग ऋषि हमें मिले और हम उनके साथ जुड़ करके सही अर्थों में निहाल हो गए। मित्रों, लाखों वर्षों में कहीं ऐसा गुरु आता है जो आकर के सारी विश्व वसुधा को आने वाले कई वर्षों तक के लिए, लाखों वर्षों तक के लिए मार्गदर्शन दे जाता है। परम पूज्य गुरुदेव सही अर्थों में एक प्रकार से हम सबके आदिश्रोत ही नहीं, ब्रह्मा ही नहीं, विष्णु ही नहीं, महेश नहीं, बल्कि परब्रह्म के साक्षात स्वरूप हैं। कई बार हम कहते हैं हमारे गुरु महाकाल हैं, महाकाल हैं, तो महाकाल कोई विशिष्ट उपाधि नहीं। महाकाल सही रूप में हमारे अंदर की विकृतियों को मिटाने का काम जिनने किया है वो गुरु हैं, सदगुरु हैं। गुरु ज्ञान के प्रतीक होते हैं, गुरु ज्ञान का सही अर्थों में पर्यायवाची होता है। हमारी संस्कृति में ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति कहती है कि जहाँ ज्ञान है वहाँ सब कुछ है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, तुलसीदास जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम। ज्ञान वो जो बोध दे, ज्ञान तो बहुत सारा है समाज में। आज नॉलेज इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी में क्या आ गया है कि जो ज्ञान, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, उससे जो शिक्षा पढ़ी हमने उसको नॉलेज नाम दे दिया हमने, जबकि वो नॉलेज नहीं है, वो शिक्षा है। वो शिक्षा है और उससे पैसा कमाने की बात करते हैं लोग, अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ हमें कमाना चाहिए। नॉलेज इकोनॉमी से अर्थ बनता है ये हमें सब लोग बताते हैं, और जितने विश्व के राष्ट्र हैं वो सारे के सारे राष्ट्र इसी तथ्य पे चले आ रहे हैं कि जहाँ विद्या होगी, जहाँ शिक्षा होगी, जहाँ ढेर सारा ज्ञान होगा वहाँ पर पैसा आएगा। आया पैसा, आया निश्चित रूप से आया, पर हमने उसके अभिशाप देखे। हमने देखा उस ज्ञान में विज्ञान ज्यादा था, ज्ञान कम था। और ज्ञान वो होता है जो अंतर जगत से उभरता है, अंदर से आता है। जो अंदर से आने वाला ज्ञान है वो गुरु देता है, वो कंप्यूटर नहीं देता, वो नेटवर्क नहीं देता, वो इंटरनेट नहीं देता, वो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क नहीं देता, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं आता, वो ज्ञान अंदर से आता है। और उस ज्ञान की कुंजी को गुरु के पास रखा जाता है, वो कुंजी से खोलता है ज्ञान का पट दरवाजा और अंदर से निकालता है। मित्रों, ये ज्ञान जो है, जो अंदर से आता है, इस ज्ञान का दरवाजा गुरुदेव गुरु खोलता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन लगाता है,
शलाका से, और उसके बाद चक्षुरून मिलितम, यानी आंखों में मल्लम लगा, आंखों में काजल लगाकर वो हमें चक्षुरून मिलितम ये न तस्मय श्री गुरु ने, उसको उस गुरु को हम नमन करते हैं। ये जितने श्लोक हैं गुरु के, गुरु गीता पढ़ेंगे तो गुरु गीता में तो अनगिनत श्रोता श्लोक आपको मिलेंगे जो गुरु की वंदना के प्रतीक प्रतीक है। सबसे ज्यादा महत्व गुरु को दिया गया है, भगवान से भी ज्यादा महत्व गुरु को दिया गया। जिसने गुरु को साध लिया, जिसने गुरु को जीवन में उतार लिया, उसका गुरु तत्व भारी भरकम व्यक्तित्व हो गया। और जो जीवन में जिसने गुरु की अवज्ञा की और गुरु के अनुशासन की अवज्ञा की, गुरु के बताए निर्देशों को नहीं जीवन में उतारा, उसका जीवन पतन की ओर चलता चला जाता है। अगर आदमी कोई ऊंचा उठता है तो वो गुरु की आज्ञा को मानकर, वो कोई नीचे गिरता है तो इसी वजह से कि उसने गुरु की आज्ञा को सही रूप में जीवन में नहीं उतारा। ढेर सारी बातें गुरुदेव कह गए मित्रों, ढेर सारी बातें कह गए। अभी आपने गीत सुना, हम में से कोई कम न होगा कभी हनुमान से। हनुमान एक आदर्श शिष्य के रूप में माने जाते हैं। हनुमान को विनोबा ने कहा है कि अगर किसी को देखना हो, एक नमूना देखना हो, एक सैंपल देखना हो, तो वो आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, राम का हनुमान। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम लंका जीत के आ गए, लंका की तुमने प्रथम चढ़ाई चढ़ी और तुम सीता को देख के आ गए, तुम चूड़ामणि देख के आ गए, तुम इतना सब कुछ करके आ गए, पर हनुमान तुम ये सब कैसे करके आ गए तो बताइए। बोले प्रभु आपने सब किया है, ये तो सारी लंका जली जलाई थी, सीता माता आपके द्वारा रोज देखी जा रही हैं, ये तो आप रोज कर रहे हैं, तो आपकी लीला थी, आपके लीला का यह अनुचर उस लीला का सहयोगी बनने गया था और मात्र केवल यश प्राप्त करने गया था कि हनुमान को सीता को देखने का, पहली बार देखने का, लंका को जलाने का और रावण को डराने का सौभाग्य मिला। मित्रों लंका जलाने वाला, रावण को डगमगा देने वाला, रावण के आसन को डगमगा देने वाला हनुमान जब इतनी विनम्रता से बोलता है तो इससे पता चलता है कि शिष्य को कहाँ कैसा होना चाहिए। शिष्य को हनुमान जैसा होना चाहिए। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, राम का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। वो कहते हैं आप ऑर्डर भर कीजिए, बस केवल आदेश भर दीजिए, आपका आदेश और मैं उठ के चला। जब तक भगवान राम का अक्षर समाप्त नहीं होते अंतिम, तब तक तो उड़ जाते हैं, पवन वेग से उड़ जाते हैं और चले जाते हैं। सबसे अंत में जब राम रावण युद्ध जीत लिया, सब कुछ हो गया और उसके बाद हनुमान जी और सभी लोग, आप देखिए वो पांचवा जो बैठा हुआ है कौन है, राम दरबार में, राम पंचायतन में सब बैठे हैं, राम सीता बैठे हैं, तीनों भाई खड़े हैं, वो छठा जो घुसा पड़ा है वो कौन है? वो तो अपनी मानव जाति की शक्ल का भी नहीं लगता है, ये कहाँ से आ गया, जबरदस्ती कैसे घुस गया? जबरदस्ती नहीं घुसा है, उसने उस स्थान को प्राप्त करने की पात्रता पाई है। वो हनुमान है जो चरणों में बैठा हुआ है, हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठा है। केवल पूरे के पूरे उसमें आप देखिए कि राम पंचायतन का जो फोटो आता है मित्रों, उसमें राम पंचायतन में छठे हनुमान बैठे हैं और हनुमान को उतना ही पूजा जाता है जितना राम को। रादर हनुमान के मंदिर राम से ज्यादा मंदिर हैं पूरे देश में, पूरे विश्व भर में। अगर हनुमान बनने की कोई कोशिश करे तब उसको पता चलेगा कि हनुमान की कितनी शक्ति थी। मित्रों भगवान राम ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, सबको मैंने मालाएं दी, रत्न दिए, सब कुछ दिए, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान तुम तो बताओ, तुमने तो अपनी इच्छा बताई नहीं। भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, बस और कुछ नहीं, आप तो बस मेरे अंदर विराजमान हो जाए। उन्होंने अपनी छाती चीर के दिखा दिया कि राम और सीता यहाँ विराजमान है, दोनों यहाँ विराजमान हैं, बस ये विराजमान बने रहें एक शाश्वत शिष्य के रूप में, सदाबहार शिष्य के रूप में, और आदि पर्यंत जीवित रहने वाले हनुमान हमेशा याद किए जाते रहेंगे। वो हनुमान हमारे लिए आदर्श बने। कभी गुरु के काम में, कभी भगवान के काम में ना नहीं करना, ननुकश नहीं करना। जहां आपने ना की वहां आपका एक मार्क कम हो गया, वहां दूसरी ना की दूसरा मार्क कम हो गया, धीरे धीरे करके हम नीचे गिरते चले जाते हैं। मित्रों आज जो भी कुछ हमारे पास है वो ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान जो है वो हमारा शिक्षा का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है। मैंने भी पढ़ाई करी थी, मैंने भी MBBS किया, मैंने भी MD किया। पढ़ाई पढ़ने के बाद जब मैं आया तो गुरुदेव ने कहा बहुत पढ़ लिया तुमने विज्ञान, अब तुम ज्ञान पढ़ो, बहुत पढ़ ली तुमने शिक्षा, अब तुम विद्या पढ़ो। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आ रहा हूँ और मेरे विश्वविद्यालय की डिग्री में लिखा हुआ है
इस विश्वविद्यालय से इन्होंने MBBS किया, फिर उसके बाद MD किया, और MD करने के बाद इनको डिग्री दी जाती है, डॉक्टरेट दी जाती है, डॉक्टर की पदवी दी जाती है, और ये प्रैक्टिस करने के लिए अब पूरी तरह से मंजूर किए जाते हैं, इनको स्वीकार किया जाता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा वो तो पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई थी, महाविद्यालय की पढ़ाई थी। मैंने कहा, गुरुदेव उसका नाम महाविद्यालय क्यों रखा है फिर, अगर वो विद्या नहीं थी तो विद्यालय के नाम क्यों है? उन्होंने कहा, बेटा गलती हो गई इन लोगों से, इनको रखना चाहिए शिक्षालय, महाशिक्षालय, विश्व शिक्षालय। शिक्षा देते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञान कोई नहीं देता। ज्ञान तुमको अब पाने के लिए तुम मेरे पास आए हो, तुम सीखो। गुरुदेव ने अपने चरणों में बिठाया, मैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा था शुरू से आखिर तक, मुझे लिखना सिखाया, और मैं समझता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व ढला है तो वो यहाँ आने के बाद 28 साल के बाद। इसके पहले मैं डॉक्टर था, कहीं भी जाता डॉक्टर होने के नाते कमा सकता था, पैसा कमा सकता था, जिसके लिए ये पढ़ाई हुई थी, जिसके लिए पढ़ाई हुई थी। सेवा होता है, सेवा का काम होता है, डॉक्टर सेवा करता है, मैं मानता हूँ। कई ढेरों डॉक्टर ऐसे हैं जो सेवा करते हैं और काम करते हैं, अपनी पढ़ाई का बदले में कुछ करते हैं। परंतु उन्होंने कहा, तुमको लाखों करोड़ों व्यक्तियों का पतन निवारण का काम करना है, सबसे बड़ी सेवा वो है, और वो सेवा तब हो पाएगी जब तुम सही अर्थों में पहले विद्या को समझ लोगे। तो वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, कर्मकांड, इन सब से लेकर के गुरुदेव ने सबसे ज्यादा बताया अपने जीवन के आचरण से शिक्षण, मैं क्या हूं मुझे समझो, ऐसा मुझे घोल के पी जाओ, दूध में चीनी डाल के जैसे घोल के मीठा बना लेते हैं, ऐसा तुम मुझे घोल लो अच्छी तरह से, अपने दूध में तुम मुझे घोल लो, पी जाओ, यही तुम्हारा ध्यान है, यही ध्यान करो, और नित्य नियमित रूप से तुम मुझे जियो, बस और कुछ नहीं। अब मुझे जियो का मतलब ये नहीं गुरुदेव की नकल करना। गुरुदेव दो तन्ने का इधर, दो तन्ने का इधर ऐसे कुर्ता पहनते थे, गुरुदेव के स्वयं की भाषा में बोल रहा हूँ, गुरुदेव कहते दो तन्ने का हम कुर्ता पहनते थे। गुरुदेव के हिमालय जाने के बाद ढेर सारे लोग दो तन्ने का कुर्ता पहनने लगे, लोग उनको प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, बड़ा सुख लगता था, बड़ा अच्छा लगता था उनको। गुरुदेव कभी कभी क्रोध में आते थे, गुस्से में आते थे, क्योंकि उनका मन्यु था समाज के प्रति, जमाना बदल क्यों नहीं रहा है, नर पामर की तरह से, नर कीटक की तरह से आदमी क्यों जी रहा है, ये जो तृष्णा आदमी की बढ़ती चली जा रही। तो गुरुदेव को गुस्सा निकलता था उनके प्रति, कई लोग गुस्से में लेक्चर देने लगे, गुस्सा आता है बहुत हमको, क्यों? गुरुदेव के अंदर भी गुस्सा था, हमारे अंदर भी गुस्सा, अरे नहीं भैया हम तुम्हें हमें प्यार बांटना है। गुरुदेव ने गुस्सा तो किया पर प्यार भी बांटा, और प्यार ही बांटा, गुस्से में भी प्यार छिपा हुआ था, वो गुस्सा सुधारने के लिए था, हम वो भूमिका नहीं निभा सकते। नकल नहीं करना, अनुकरण नहीं करना, हमें उनके आदर्शों को जीवन में उतार करके अनुसरण करना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। हमें परम पूज्य गुरुदेव बनना है तो गुरुदेव का एक अंश जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए ज्ञान के सही स्वरूप को समझना पड़ेगा। ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, और ज्ञान का सदुपयोग करने वाले, ज्ञान का सदुपयोग करने वाले गुरु बन जाते हैं। जिन्होंने ज्ञान का सदुपयोग किया ऐसे ढेर सारे आप लोगों को देख सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, श्री अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने ज्ञान का सदुपयोग किया, ज्ञान के सदुपयोग के माध्यम से अपने जीवन को निखारा, तराशा, और न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचते चले गए। ये ज्ञान हमारा वर्षों से, न जाने कितने सालों से हिमालय में छिपा पड़ा था। मित्रों, हिमालय ज्ञान का अधिश्रोत है। हमारा अगर कोई गुरु है, हमारा अगर कोई गुरु ज्ञान का स्रोत है, जहाँ से ज्ञान आता है, तो हिमालय से आता है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ आपको, वो कविता स्वामी विवेकानंद की कविता है। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में अपने शिष्यों के साथ और शिष्य माताओं के साथ जो कविता बनाई थी, उसका पहला वर्स ये है, सन्यासी का गीत, सॉन्ग ऑफ सन्यासी। मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा, ताकि सब लोग समझ सकें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वेक अप द नोट, छेड़ो है वह गान, उस गान को छेड़ो। द सॉन्ग दैट हैड इट्स बर्थ फार ऑफ वेयर वर्ल्डली टेंट कुड नेवर रीच। गीत वो अनंतोद्भव अबंध वह गान, विश्वताप से शून्य गंवरों में गिरी के अम्लान। इन द माउंटेन केव्स एंड ग्लेड्स ऑफ फॉरेस्ट डीप, हुज काम नो साई, जहां पे जहां की शांति का कोई तुलना नहीं है, फॉर लस्ट, जहां लस्ट नहीं है, मनोकामना नहीं है, वेल्थ नहीं है, फेम की बात नहीं है, वहां नो वे और वेल्थ और फेम, जिसकी शांति न कनक काम यश लिप्सा का निश्वास। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनुवाद है, जितना सुंदर अनुवाद है समझ सकते हैं। भंग कर सका जहां प्रवाहित यह चित्त का विलास, श्रोतस्विनी उमड़ता जिसमें वह आनंद आनंद आयास। कुड हुज काम नो साई फॉर लस्ट और वेल्थ और फेम, कुड एवर डेयर टू ब्रेक वेयर
रोल्ड द स्ट्रीम्स, जहाँ ज्ञान की धाराएं बहती थी, गंगा के रूप में अन्य धाराएं बहती थी, ऑफ नॉलेज ट्रूथ एंड ब्लिस दैट फॉलोज बोथ, सिंग हाई दैट नोट, उसको गान को गाओ, बढ़कर गान गाओ, वीर सन्यासी है बोल्ड सन्यासीन से ओम तत्सत ओम, ओम तत्सत ओम। प्रथम वर्ष विवेकानंद संचयन में अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको गान, बहुत सुंदर है। इससे क्या सिद्ध होता है, ज्ञान कहाँ पर है, हिमालय में। ज्ञान का अधिश्रोत क्या है, हिमालय। ज्ञान कहाँ छिपा पड़ा है, कंदराओं में। ज्ञान कहाँ छिपा पड़ा है, हमारे हिमालय में बैठे हुए ऋषियों के मुनियों के पास, उस उन गह्वरों में, उन गुफाओं में, उन कंदराओं में, जहाँ जाके लोग तप करते थे। परम पूज्य गुरुदेव एक एक साल के लिए चार बार गए, और एक एक साल के लिए गए तो चार बार का विवरण उन्होंने लिखा है सुनसान के सहचर में और अपनी वसीयत विरासत में। मित्रों, उनको पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ज्ञान का आदि स्रोत वही है। परम पूज्य गुरुदेव निरंतर कहते तो वहां से शक्ति की धारा आती है। हिमालय हमारा आध्यात्मिक राजधानी का केंद्र है मित्रों, हमारी हिमालय हमारा आध्यात्मिक राजधानी। जब जब हमारी जीवन शैली गड़बड़ाएगी, जब जब हम गड़बड़ाएंगे तो हिमालय भी गड़बड़ाएगा, और हिमालय का गड़बड़ाना मतलब हमें धुरी का गड़बड़ाना। मित्रों, हिमालय में सुमेरु है, ऐसा कहते हैं, सुमेरु अगर अपने स्थान से हट जाएगा प्रलय आ जाएगी पूरी धरती पर। सुमेरु हिला है, सुमेरु न केवल हिला है बल्कि जल प्रलय जो आई है पिछले दिनों, वो हम लोगों ने अपने आप पैदा की है, मनुष्य ने अपने कर्मों से। मनुष्य ने, यहाँ लिख रहे हैं स्वामी जी लिख रहे हैं कि जहाँ जिस जगह तपस्या के गान हो, जहाँ हर तरह से योग भूमि हो, तपोभूमि हो, जहाँ ऋषियों के वेदों की ऋचाओं का गान होता हो, वो हिमालय। और वो उस हिमालय के बारे में जब जिज्ञासाएं आती हैं शिष्यों के माध्यम से, तब वो पहला वर्ष ये बोलते हैं कि हिमालय में बैठा हुआ है ज्ञान, वो हिमालय को हमने डिस्टर्ब कर दिया, वो हिमालय को हमने छेड़ दिया, बुरी तरह से छोड़ दिया, और इतनी बुरी तरह से छेड़ दिया हमने, हम यहाँ से जाने लगे पर्यटन करने के लिए, हम यहाँ से जाने लगे पिकनिक बनाने के लिए, बद्रीनाथ में पिकनिक बनाएंगे, केदारनाथ में पिकनिक बनाएंगे, हम चारों धाम की यात्रा करेंगे। चार धाम की यात्रा करने के लिए बाकायदा तप करते थे लोग, अनुष्ठान करते थे, साधना करते थे, साधना भूमि होना चाहिए था उसको, और साधना भूमि के माध्यम से उस भूमि से आने वाले जो तप के संस्कार हैं, जो ज्ञान गंगा के रूप में आते हैं, उनको वैसे ही पवित्र बनाए रहना देना चाहिए था। ऐसा ही कुछ हुआ होता तो शायद ये इतना बड़ा जो विकराल रूप आया है, लोग कह रहे हैं वो झील फट गई, लोग कह रहे हैं बादल फट गए, लोग कह रहे हैं कि वो तो प्रकृति की वजह से हुआ, नहीं, वो आदमी की वजह से हुआ, आदमी ने किया गड़बड़। ये आदमी जो है, जब जब मित्रों अपनी भोग के बारे में और विलास के बारे में जब अपनी मनोभूमि बना लेता है, तो फिर वो उसको किसी चीज़ में आनंद नहीं आने लगता है। फिर तो एयर कंडीशन 5-स्टार होटल बन गए बद्रीनाथ में, गोविंद घाट पे जहाँ से हेमकुंड साहब जाते हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह हेयर कंडीशनर में रहते थे? क्या गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ जाके तप किया तो इसलिए तप किया था वहाँ जाकर? अगर गुरु गोविंद सिंह उस जमाने में पैदल चढ़ते हुए जा सकते थे कंदराओं में जाकर के तप कर सकते थे, लक्ष्मण जी वहाँ जाके तप कर सकते थे, और हमारे नर और नारायण के पर्वत के रूप में जो विख्यात हैं हमारे श्री कृष्ण जी और हमारे अर्जुन वहाँ जाके तप कर सकते थे, हमारे पांडव स्वर्गारोहिणी के माध्यम से ऊपर तक जाकर के अपने आप को विसर्जित करके आते हैं, वहाँ जाकर समर्पित करके आते हैं अपनी काया को, देहोत्सर्ग कायोत्सर्ग करके आते हैं, तो क्या वो इसलिए बना था? वो हिमालय को हमने आच्छादित कर दिया रिसॉर्ट्स से, होटल से, हर तरह की होटल, हर तरह का सब कुछ सामान, सब सुविधा का सामान, सब कुछ वहाँ मौजूद। मित्रों, आप अगर नहीं गए हों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी नहीं गया कभी, किसी तीर्थ में नहीं गया। माता जी के साथ बद्रीनाथ गया, बाहर से हम लोगों ने प्रणाम कर लिया, माता जी भी चली आई, और हम गंगोत्री गए, गंगोत्री में माता जी वहाँ बैठी उस शिला पर जहाँ गुरुदेव ने तप किया था, बस ये दो स्थान। बाकी न मैं केदारनाथ गया हूँ, न मैं यमुनोत्री गया हूँ, उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चारों धाम शांतिकुंज में मौजूद है, चारों धाम शांतिकुंज में स्थापित हैं, सारे के सारे धरती के सारे धाम यहाँ स्थापित हैं। जिसने ये कल्पना कर ली उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मित्रों, लोगों ने कहा कि हम अपने घर से क्या क्या लेके चलें, सामान सब लेके चलें, सारी सुविधा के साधन लेके चलें। लोगों ने कहा हमने होटल बना के रखी, 5-स्टार होटल बना के रखें, आप चिंता मत करिए, रिसॉर्ट्स बना के रखें। लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ती चली गई, पिपासा बढ़ती चली गई। और मित्रों, कब तक हिमालय नहीं हिलता? स्थावरणाम हिमालय, हिमालय को कहा गया स्थिर पर्वत, स्थिर जितने रहने वाली चीज़ें हैं उनमें हिमालय हूँ मैं, जितनी भी स्थिर रहने वाली उनमें हिमालय। भगवान कृष्ण बैठे हैं, खुद भगवान कृष्ण वहाँ विराजमान है, जब भगवान कृष्ण विराजमान है उस हिमालय के साथ आध्यात्मिकता की धुरी के ऊपर जो टिका हुआ है,
उस आध्यात्मिकता की धुरी के ऊपर धार्मिक पर्यटन इस श्रेणी का निकृष्ट स्तर का कि वहाँ के लोग मित्रों लालच लोभ लालच में मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारतवासियों को कह रहा हूँ, प्लस वहाँ के लोगों को भी कह रहा हूँ जिन्होंने लोभ लालच में इतना बड़ा दंड झेला है। आपको मालूम नहीं मित्रों कितनी मौतें हुई हैं, कितने आदमी 20 मिनट के उस जल जल जले से पूरी तरह से प्रभावित होकर के हमेशा के लिए गंगा में समा गए और जैसा गंगा सागर में तक पहुंच गए होंगे उनकी बॉडीज, कोई आश्चर्य की बात नहीं मित्रों। आज ये मनुष्य की गलती की वजह से जो कुछ भी हुआ है हमने उसके लिए राहत कार्य किए हैं, सब कुछ किया है। बाढ़ आपदा होती है राहत कार्य सरकार करती है, हिमालय की आपदा ये सरकार भी सेरेमनी निभाएगी, सेरेमोनियल काम करेगी और कुछ काम ऐसा कर देगी जिससे कि लोग ठीक ठाक हो जाएं। पर मित्रों नहीं, इससे कम में काम नहीं चलेगा कि जब तक हम उसको आध्यात्मिक भूमि न बनाएं। हमें आध्यात्मिकता की भूमि के संस्कार वहां स्थापित करने पड़ेंगे, हमें पूरी तरह से हिमालय का आमूलचूल स्वरूप बदलना पड़ेगा, हमें लोगों की दृष्टि बदलनी पड़ेगी और लोगों को ऊपर चढ़ने के पहले साधना करानी होगी कहीं रुक करके कि कम से कम साधना करके जाओ यहाँ पे, नहीं तो वहाँ जाने के बाद हमारा नुकसान हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मित्रों ये केवल अकेले हिमालय की बात नहीं है, ये सारी प्रकृति के साथ ऐसा हो रहा है। प्रकृति और पर्यावरण का जो संतुलन बिठाने का काम हमेशा से हिमालय करता आया है, भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के अलावा पूरे एशिया पूरे विश्व सारे विश्व का पर्यावरण हिमालय संभालता है, अकेला हिमालय। जब से हिमालय आया है तब से संस्कृति जन्मी है, हिमालय संस्कृति पर्यावरण ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची। जब हमारी संस्कृति आई तो हमारी संस्कृति के साथ साथ ऐसा कहा जाता आर्य लोग हिमालय से धरती पर आए, उन लोगों ने धरती को बसाया। यदि हम आर्य हैं, सुसंस्कृत हैं, यदि हम वीरवान हैं और यदि हम सही अर्थों में हमको अभिमान है अपने ऋषियों के रक्त पर, तो हमें सबसे पहले प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि इस हिमालय को फिर वैसा नहीं बनने देंगे जैसा था। नदियों के पेट में आप चीरा लगा करके वहाँ आप मकान बना रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं, वहाँ गेस्ट हाउस बना रहे हैं, वहाँ होटल बना रहे हैं नदियों के अंदर। नदियों ने इस अपमान को बहुत दिन सहन कर लिया, अब इस आंधी में इस बाढ़ में सारे के सारे ढह गए पूरे के पूरे निर्माण। मित्रों उसमें भी एक बात जो हुई सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों के 40-40, 50-50 लाख की कमाई करके जो बैठे हुए थे उन लोगों के मकान भी ढह गए, सबके सब बह गए पूरे, बोल नहीं सकते, किसी से नहीं बोल सकते मेरे 40 लाख का मकान भी ढह गया, क्यों? इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे। एक अब कभी तो तुमने बताया नहीं किसी को, और ये कहाँ से सब अवैध कमाई कर करके कहाँ से बैठे हुए थे तुम, यहाँ से कोई बता नहीं सकता, कुछ नहीं बता सकता, पलायन कर रहे हैं वहाँ से, पलायन कर रहे हैं, पलायन कोई मार्ग नहीं होता मित्रों। हमें चीन से हमारी रक्षा करता है हिमालय, ये जो हिमालयवासी उत्तराखंडवासी हैं इनको बसाने का काम जो करेगा, जो हमारे साथ देगा इस मामले मित्रों, वो हमारे भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पूरी की पूरी हमारी चीन से लगी हुई बॉर्डर है और चीन ने हमारी बॉर्डर तक लाकर अपनी सड़कें बना दी हैं, ट्रेन लाके खड़ी कर दी है, बहुत कुछ कर दिया है। हमें इस हिमालय को आबाद बनाए रखना पड़ेगा, हमें इस हिमालय के पर्यावरण की बात के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, यहाँ से निकलने वाली नदियों को शुद्ध बनाना पड़ेगा। तो मैंने 5 कार्यक्रम मैं आपको देना चाहता हूँ हिमालय से जुड़े हुए। पहला कार्यक्रम मैं देना चाहता हूँ पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज्ड हिमालय, ये ऐसा हिमालय हो जिसमें कि आध्यात्मिक संस्कार हो। तो कैसे यार, हम तो हिमालय हमने कभी देखा ही नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं, आप ही से सुनते रहते हैं मुनस्यारी के बारे में, इसके बारे में बद्रीनाथ वगैरह सुना है लोगों से, हमारे दादाजी गए थे, हम तो कभी गए नहीं थे, और जाने का अब मन नहीं क्योंकि अब ऐसा हो गया तो मालूम नहीं हमारे साथ कब हो जाए, बहुत सारे लोग डर भी गए। अपने घर में बैठ करके सामूहिक साधना के संस्कारों के आप अनुप्रेषण वहां भेजते रहिए, आप वाइब्रेशंस भेजते रहिए वहां पर। हम इस वर्ष अनेकों स्थानों पर सामूहिक साधना के प्रयोग कर रहे हैं, उन सामूहिक साधना के प्रयोगों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस पूरे पूरे वहां भेजिए, हिमालय को भेजिए, हिमालय को दीजिए। और हिमालय को देने से क्या होगा कि हिमालय मजबूत बना रहेगा गायत्री मंत्र की शक्ति से, और हिमालय मजबूत बना रहेगा तो ज्ञान मजबूत बना रहेगा, ज्ञान की पृष्ठभूमि मजबूत बनी रहेगी, ज्ञान वहाँ के गुहाओं में कंदराओं में लिखा गया है वहीं तैयार हुआ है। दूसरा काम जो आपको करना है, सदा नीरा नदियाँ सदा नीरा रहे, हमेशा बहता रहे पानी उनका, उनको बांधिए मत, उनको रोकिए मत। बिजली ही पैदा करनी है तो बिजली पैदा करने कई प्रयोग हो सकते हैं, पवन ऊर्जा हो सकती है, सौर ऊर्जा हो सकती है, पर उनको बांधिए मत, उनको उनके थ्रू निकलने दीजिए, अगर बनाया भी है तो बांध के थ्रू नदी को निकलने दीजिए, पास होने दीजिए, अगर आपने नहीं पास होने दिया तो बांध वही बांध आपके लिए विनाश के कारण बन जाएंगे। मित्रों हमारी लिप्सा, हमारी ललक लिप्सा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमने उनको पूरी तरह से एक तरह से नदियों को बांध दिया, और बांधने के पश्चात उस वेग को थामने की तुम्हें शक्ति है, शिवत्व है तुम्हारे अंदर, शिव ही धारण कर सकते हैं गंगा को,
तो गंगा के तीन धाराएं आती, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। पर इस देश में तो हर गंगा, हर नदी वो गंगा है। हमारे देश में जहां कहीं भी कोई निकलता है नदी के ऊपर से, तो गंगा माता को नाम करके, याद करके प्रणाम करता है। नर्मदा को भी, बेतवा को भी, और केन को भी, सबको वो गंगा मानता, हर व्यक्ति गंगा मानता, गंगा रूप में मानता है। तो मित्रों, हमें तो हर पूरी भारत की नदियों को सदा नीरा और स्वच्छ बनाना है। पर सबसे पहले हम हिमालय के लिए चलें कि हिमालय की नदियां सदा नीरा रहे। तीसरा जो अभियान हमको चलाना है वो है गंगा से आने वाली नदियां निर्मल बनी रहें, और वो आने वाली नदियों को निर्मल बनाने के लिए, गंगा सहित जो आने वाली नदियां निर्मल बनी रहें, उसके लिए निर्मलीकरण, गंगा निर्मलीकरण अभियान हमने आरंभ किया है। गंगा निर्मलीकरण अभियान के अंतर्गत 5 चरणों में हम आने वाले 10 वर्ष में पूरे गंगा को, पूरे गंगा के बेल्ट को 50-50 किलोमीटर दूर तक, दोनों तटों के दोनों ओर के बेल्ट को हरियाली से ढक देंगे, और वहां के लोगों को प्रज्ञा, गंगा प्रज्ञा मंडल बना करके उनको अपने मिशन के सारे विस्तार के साथ जोड़ देंगे। मित्रों, मिशन कई गुना हो जाएगा। आज आपको इतने लोग संभाले नहीं संभ रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा होने वाला है। क्यों? हमने गंगा के बेल्ट में 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर का गंगा का बेल्ट है, पूरा गंगा सागर तक संभालने का व्रत लिया है। और इसके लिए हमारे साथ ढेर सारे भागीरथ हैं, ढेर सारे क्षुनिक्षेप हैं जो शाम साथ चलने को तैयार। ये मित्रों, ये तीसरा अभियान। चौथा अभियान जो मित्रों हमको करना है वो है वृक्ष आच्छादित हिमालय। हिमालय पर जाएं तो वृक्ष लगा के आए। आज से एक अभियान चालू किया हमने गुरु पूर्णिमा पर, हर व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए। हिमालय से मतलब, हिमालय अलग है, अलग चीज नहीं है। हिमालय से जुड़ा हुआ संस्कृति का जो भी क्षेत्र है आपके आसपास का, पूरे भारत में वृक्ष लगाइए। 365 दिन आप वृक्ष लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको संभालने का, उनको नर्चर करने का, उनको पोषण करने का संकल्प यदि ले लें, तो जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, जगह जगह हमने ये आपको संकल्प दिलाने का कहा है, एक वृक्ष जरूर लगाएं। कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं, 365 नहीं लगा सकते, एक वृक्ष तो लगाएं कम से कम। पर उसका पालन पोषण ऐसे करें, पोषण ऐसे करें जैसे अपने बेटे का करते हैं, बेटी का करते हैं। आप अपने बेटे बेटी को मरने नहीं देते, सब भूखा मरने दिया, पानी नहीं दिया और खाना नहीं दिया, चारों तरफ से जकड़ दिया और एक दिन तोड़ के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया बच्चे को। जब आप ये नहीं करते तो फिर कैसे आपसे ऐसा हो गया? तरु पुत्र अभियान, तरु मित्र अभियान, तरु को पुत्र बना लीजिए, तरु को मित्र बना लीजिए, और इस प्रकार से पर्यावरण की एक बहुत बड़ी क्रांति। जितना हिमालय जंगलों से ढकेगा मित्रों, अब मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिससे कि वहां ज्यादा भवन न बने बल्कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगें। और वृक्ष लगने के लिए हम अपने यहां से शांतिकुंज से ट्रेन कर करके पूरे भारत के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ऊपर भेजेंगे, और ऊपर भेज के उनसे वहाँ वृक्षारोपण कराएंगे जो वहाँ की, जो वहाँ की मूल भूमि के संस्कार के अनुरूप जरूरी है। मित्रों, इस काम के बाद जो गंगा हमें आशीर्वाद देगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी, पवित्रता का आशीर्वाद देगी, हमें निर्मल बने रहने का आशीर्वाद देगी कि हम हमेशा निर्मल बने रहें, पवित्र बने रहें। ये पाँचवा अभियान, एक जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है मित्रों, वो उस अभियान के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि आप एक अपना जो ये, चूंकि मैं ज्ञान की बात कह रहा हूँ, वो ज्ञान क्रांति वर्ष चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को घर घर फैलाने का आप प्रयास करें इस गंगोत्री से, 21वीं सदी की गंगोत्री शांतिकुंज से। यहाँ से आप एक व्रत लेकर के जाएं हिमालय से जुड़े हुए, और एक व्रत यहाँ से लेकर जाएं कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं इसके लिए, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए क्या कर सकते हैं। गुरुदेव ने लिखा है, एक उद्बोधन में कहा भी है और लिखा भी है, हमने दवाएं तैयार करके रख दी हैं, हमने इंजेक्शन बना के रख दिया है, आप केवल सुई बन जाइए, सुई बन जाइए। मतलब ये कि डॉक्टर बन के रूप में गुरुदेव भवरोग वैद्य खड़े हैं, वो इंजेक्शन आप निडल बन गए, तो वो इंजेक्शन लेके फिर वो निडल को जाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, निडल को भी दर्द होगा, लगने वाले को भी दर्द होगा, परंतु वो इंजेक्शन लग जाएगा ज्ञान का तो आदमी ज्ञानवान हो जाएगा। वो ज्ञानवान हो जाएगा आदमी तो जितनी आज भ्रांतियाँ हैं, आज जितनी हमारे मन में जितनी प्रकार की उलझने हैं, वो सब सुलझती चली जाएंगी। ये आज की आस्था संकट का सबसे बड़ा उपचार अगर कोई हो सकता है तो मित्र ये हो सकता है। ज्ञान जो हमको बोध दे, ज्ञान जो हमें उबार ले, ज्ञान जो हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत बना दे, ज्ञान जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, ज्ञान वो नहीं जो हमें केवल पढ़ाई से प्राप्त होता है। बस ये बात जीवन में आ जाए अगर, तो मित्रों ये ज्ञान जो है क्रांति करने में सक्षम है। विवेकानंद की 150वीं जयंती चल रही है, और इसमें यदि हम ये संकल्प लेते हैं तो इस संकल्प के माध्यम से हम घर घर फैला सकते हैं। हमारे पास वीडियो का नेटवर्क है, एक युग प्रवाह नाम की हम पत्रिका निकालते हैं, 365 दिन पत्रिका आपके पास आपको मिलती रहती, हर महीने आती रहती, 12 महीने तक आप सबको दिखा सकते हैं। उसके लिए एक संकल्प आपको आज लेना पड़ेगा, हम इसके लिए 1 रुपया रोज निकालेंगे। अरे 1 रुपया, आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब,
जब हम 365 रुपये मांगते हैं तो आपको बुरा लगता है ना, इसलिए हमने कहा 1 रुपया रोज निकालो। 365 रुपये देने में परेशानी होती है क्योंकि दर्द होता है थोड़ा पेट में, पैर में, जेब में दर्द होता है। 365 रुपया इसका सब्सक्रिप्शन है, चंदा है। 12 CD आपके पास आएंगी, 12 DVD आएंगी, गुरुदेव का जगह जगह प्रवचन, विभिन्न वैरायटी के प्रवचन, हमारे विभिन्न वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उद्बोधन और यहाँ की गतिविधियाँ, पूरे मिशन की क्षेत्रीय गतिविधियाँ सब उसमें देखने को मिलेंगी। 1 रुपया पर डे यदि आप देते रहेंगे तो उसके माध्यम से 365 दिन तक आपके पास पत्रिका का ज्ञान मौजूद रहेगा। अखंड ज्योति पत्रिका तो मुश्किल से 108 रुपये में आपके पास आ जाती, क्या आप उसके लिए वो भी नहीं कर सकते? 9 रुपये प्रतिमाह नहीं निकाल सकते उसके लिए? अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना, युग शक्ति, गायत्री, ये सारी पत्र पत्रिकाएं जितना आप ज्ञान फैला सकें उतना फैलाने की कोशिश करें। मित्रों, ज्ञान जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना अज्ञान मिटेगा, और अज्ञान मिटेगा तो संसार का उद्धार होगा। नहीं तो ये जीवन जीने की शैली आदमी की विकृत हो गई। आज जीवन जीने की शैली में आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए। जीवन जीने की शैली हिमालय जैसी होना चाहिए, जीवन जीने की शैली गंगा जैसी होनी चाहिए, जीवन जीने की शैली ऋषि जैसी होनी चाहिए, और जीवन जीने की शैली परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जैसी होनी चाहिए। अगर हम गुरुदेव माता जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो हम उनके जैसा जीवन जीना चालू करें। मित्रों, इतना यदि हमने कर लिया तो देखते देखते परिवर्तन की आंधी आती दिखाई पड़ेगी। हम लोग मित्रों एक रिट फाइल करने का कुछ सोच रहे हैं हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल करने की सोच रहे हैं कि हिमालय है तो हम लोग हैं, हिमालय है तो हमारी संस्कृति है। आज हिमालय रो रहा है और कह रहा है कि मुझे सौंप दिया गया है हुक्मरानों के जिम्मे, मुझे सौंप दिया गया है लालच में डूबे हुए लोगों के जिम्मे। मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, अपने कुछ संगठनों को साथ लेकर के, मजबूत संगठनों को जिनके अंदर दम हो उनको साथ लेकर के, कि हम हिमालय का पुनर्वास करने जा रहे हैं। हम मकान का एक मॉडल बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उस मकान का 1.5 लाख रुपए में एक मकान बनाएंगे हम। लगभग 150-200 मकान बना करके हम देना चाहते हैं लोगों को। इसके बाद यदि हमारी और ताकत हुई, आप लोगों ने घर घर जाके, जन जन के बीच में जाके ये बात कही, तो हम और भी गांव बना देंगे। जितने गांव, 10-10 मकान का एक गांव होता है इन लोगों का, और उस जगह बनाएंगे जहां से नदी नहीं निकलती, जहां से पानी नहीं बहता और जो कहीं नुकसान नहीं बहता, फिर वो आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करेंगे। अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो यहाँ इतना बड़ा काम हो जाएगा मित्रों कि पूरा हिमालय जिंदा रहेगा। ये जो कार्य है मित्रों, इसके लिए आप सबको कुछ न कुछ निकालने का व्रत लेना पड़ेगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी। सरकार अपना काम करेगी। 1700 करोड़ तो पहले दिन मिल गए थे, उसके बाद 20,000 करोड़ मिल गए हैं। ढेर सारा काम आ गया, पैसा आ गया। कहाँ जाएगा आपको सबको मालूम है, कहाँ जाएगा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। हम सबको प्रामाणिक माना है, संस्थाओं को प्रामाणिक माना है। संस्थाओं में सबसे बड़ा सिरमौर शांतिकुंज को प्रामाणिक माना है, इसलिए लोगों ने हमें पैसा दिया है कि आप, हम चाहते हैं कि आप इसमें काम करें। मित्रों, ये इतना बड़ा काम है हिमालय जितना बड़ा काम है, पर जब तक हम लोगों की आयु है तब तक हम लोग सब जिए यदि ज्ञान के लिए, ज्ञान के शिखर के लिए, ज्ञान के सुमेरु के लिए, उस हिमालय के लिए जो आध्यात्मिकता की धुरी है और भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान की धुरी है, तो मित्रों हम जिंदा रख लेंगे। केदारनाथ को हम दर्शन करेंगे, हम लोग सब करेंगे, दर्शन करेंगे जाकर। केदारनाथ पुनः अपने पवित्र रूप में वैसा ही दिखाई पड़ेगा। हम लोग गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन भी कर सकेंगे, पर उससे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले हम गुरु ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन शैली को बदलने की कोशिश करें। यदि वहाँ भी हम सुख तलाशेंगे तो कोई फायदा नहीं। स्व में सुख की खोज सबसे ज्यादा हम लोगों ने स्व के दायरे को बढ़ाया होता तो बहुत कुछ कर लिया होता हमने। और दूसरा जो एक जो चीज हो सकती थी मित्रों, जो हम लोग कर सकते थे, कि हम अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। जितने लोगों में ज्यादा हमें अवेयरनेस पैदा करेंगे, जो आप यहाँ आए हैं इतने सारे लोग आप सुन के जा रहे हैं, तो इसको फिर पहल फैलाइए, इस ज्ञान को फैलाइए जन जन के बीच में। कि अवेयरनेस पैदा नहीं होगी तो एक डॉक्टर साहब के अकेले कहने से नहीं होगा कुछ, उनके करने से कुछ नहीं होगा, अनेकों ढेर सारे लोग आपको लगना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इतना बड़ा काम कर पाएंगे। मुझे अपने बच्चों पे गर्व है मित्रों, मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे गर्व है, स्वयंसेवकों पे गर्व है, जो उस कठिन भूमि में जाकर के, जहां पर कि सब कुछ बह रहा था, ये भी भरोसा नहीं था कि लौटेंगे तो रास्ता अपना खुला मिलेगा कि नहीं, वहां पहुंच करके रुद्रप्रयाग तक पहुंच गए, त्रियुगी नारायण तक पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने, जिस दिन हम लोगों ने 16 तारीख को एक महीना हो चुका था, एक महीने के दिन आरती उतारी भगवान शिव की, और यहाँ पर हमने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, हमने अपनी शंकर जी की कथा गाई, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति आई है, बहुत बड़ी स्तुति आई है उत्तरकांड में, रामायण में। उस स्तुति के माध्यम से हमने प्रार्थना की, तो उन्होंने त्रियुगी नारायण में बैठ के प्रार्थना की, उन्होंने वहाँ बैठ के प्रार्थना की, हे केदारनाथ प्रसन्न हो हम पर, हे शिव तुम अपना रोद रूप मत दिखाओ, हम भोले बाबा समझते थे तुमको,
और भोले बाबा समझ के कभी तुम्हें दाढ़ी में हाथ डाल दिया हमने, कभी तुमसे खिलवाड़ करने लगे, कभी केदारनाथ पहुंच गए तुम्हें एक होटल बना दी, कभी केदारनाथ के पास पहुंचे तो एक होटल में रुक गए। हम रुके क्यों? हमसे ये क्यों नहीं बना कि हम आपके आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बना के आते? हमसे ये क्यों नहीं बना कि हम आप लोगों को, लोगों के मन में आपके प्रति पवित्रता का भाव पैदा करना सिखाते? हमसे ये क्यों नहीं बना कि हम बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ जाकर के हमने वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण के संस्कारों को क्यों नहीं लेकर के आए वहाँ से? इसके बजाय हम वहाँ से सामान कुछ खरीद के लाए, प्रसाद कुछ खरीद के लाए और अपनी गंदगी जितनी थी प्लास्टिक की पॉलीथिन की सब वहीं छोड़ के आ गए पूरी पूरी। मित्रों ये शिक्षण देना चालू करना पड़ेगा, इसके लिए शिक्षण तंत्र बनाने पड़ेंगे। इसके लिए पुराने जमाने में कई तंत्र हुआ करते थे जो पहाड़ के नीचे हुआ करते थे और उसके बाद लोग जाते थे। ये तो अनुचित हुआ मित्रों, ये तो दुरुपयोग करने वाले और ऐसे लोग पहुंच गए जो गलत थे, जो गलत थे और पुण्य वहाँ अर्जित करने जा रहे थे। नाश हुआ है, नष्ट हुआ है, जनता नष्ट हुई है, मैं मानता हूँ। उनको पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जिनका नुकसान हुआ है वो अपनी जगह सही थे, जहाँ उन्होंने अपने उसको किए देखा, अपने लोगों को मरते देखा, अपने लोगों को मरते देखे, कई लोग विक्षिप्त हो गए, कई लोग कैसे हो गए, कई की स्थिति खराब हो गई। पर अब जो समय बचा है हमारे पास पुनर्वास का काम हम कैसे कर सकते हैं? पुनर्वास करना है तो केवल उसका हिमालय का नहीं करना है, अपना भी करना है, अपने चिंतन का भी करना है, अपने सोच का भी करना है। यदि आप ये करने लगेंगे तो जीवन बदल जाएगा। ये गुरु पूर्णिमा हम सबके लिए बोध लेकर के आइए, बोध का पर्व लेकर के आइए कि ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरा कि नहीं जो गुरु अपने जीवन में दी गए और उस गुरु हिमालय को अपना आराध्य माना, हिमालय को पारस माना। मैं जब भी गया हिमालय को छू के आया मैं सोना बन गया, गुरुदेव कहते हैं मैं सोना बन गया, जब भी मेरे व्यक्तित्व को स्पर्श हुआ सोना। हिमालय तो यहाँ भी छू सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। हिमालय केवल हिम पर्वत तक जाने की बात नहीं, हिमाच्छादित चोटियों तक, पर आपके लिए हम जगह बना रहे हैं। मुनस्यारी नाम का एक तीर्थ हम बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं। जब कभी आपको साधना करनी होगी मुनस्यारी चलिए, हम ले चलेंगे आपको, आप जाके देखिए कितनी विकट परिस्थितियों में बन रहा है वो, और वहाँ नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ के नीचे के लोग सब कहते हैं पूरा मुनस्यारी बचा है तो गायत्री मंदिर के माध्यम से बचा है, जबकि माता जी नहीं गई हैं, गायत्री माता की मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई है, पर पीछे नीचे नदी के किनारे चूंकि सारे होटल बन चुके थे, मकान बन चुके थे, पूरे होटल मकान सब बह गए। गौरी नदी और काली नदी दो नदी बहती हैं नेपाल के और भारत के बीच में, एक नदी आती है गौरी नदी कहलाती है, दोनों मिलती हैं और शारदा नदी बनती है। तीनों नदियों ने भयंकर कहर बरसाया है मित्रों, आने वाले 7 साल और कठिनाइयों से भरे हैं, और कठिनाइयों से। इसलिए साधना हमें करना बहुत जरूरी है, इसलिए गायत्री साधना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गायत्री ही वो शक्ति है जो इस गुरु पूर्णिमा में हम लोगों को जीवन में उभार सकती है। गायत्री, गुरु और ज्ञान, बस ये तीन शब्दों को आज याद करके जाइएगा, गायत्री, गुरु और ज्ञान, और ज्ञान का केंद्र हिमालय, इसको पवित्र रखने का काम करें। खूब खूब मंगल कामना। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब की अमृतमयी वाणी से हमने आगामी कार्यक्रमों के बारे में जाना, समझा, योजनाएं सुनी। अब आगे कुछ विशिष्ट कार्यक्रम और भी है, सभी लोग शांत चित्त होकर के बैठे रहेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जीजी के कर कमलों के द्वारा कुछ विमोचन होना है, मराठी भाषा की 8 पुस्तकों का विमोचन यहाँ से श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जीजी संपन्न कर रहे हैं। ये सभी पुस्तकें आपको साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध रहेगी, आप ले सकते हैं। मंत्र नहीं उच्चारण, मानवीय विद्युत के चमत्कार, संपत्ति का सदुपयोग, व्यक्तित्व परिष्कार की साधना, परिवार में सुसंस्कारता का वातावरण, विवेक की कसौटी, संतान के प्रति कर्तव्य, बालकों का भावनात्मक विकास, ये मराठी भाषा की 8 पुस्तकें हैं। मराठी भाषा की अभी तक जो प्रकाशित पुस्तकें हैं यहाँ से शांतिकुंज के माध्यम से लगभग 150 से ऊपर हो चुकी है। अगला प्रकाशन है चाइनीज भाषा में हारिए न हिम्मत नाम की जो अपनी पुस्तक है, इसका विमोचन श्रद्धेय द्वय कर रहे हैं। हारिए न हिम्मत चाइनीज भाषा में, इसके पूर्व भी चाइनीज भाषा में कुछ अन्य पुस्तकों का विमोचन हो चुका है। अब गायत्री पंचांग, जो कैलेंडर है अपने यहाँ का 2014 का, ये पंचांग भी यहाँ पर श्रद्धेय द्वय के द्वारा विमोचित किया जा रहा है, जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ये कैलेंडर भी आपको यहाँ पर साहित्य स्टार पर उपलब्ध होगा। इसके पश्चात जैसे अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको कहा था, उत्तराखंड के पुनर्निर्माण हेतु, हिमालय के रक्षण हेतु वृक्ष आच्छादित हिमालय बनाना है, इसके निमित्त
श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेय जी जी दो वृक्ष दो प्रतिनिधियों को यहाँ पर दे रहे हैं। सीता अशोक और पीपल का ये वृक्ष यहाँ पर प्रतीक रूप में दिया जा रहा है। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, आप इस गुरु पूर्णिमा को अविस्मरणीय बनाने के रूप में एक वृक्ष उद्यान विभाग से जरूर लेकर के जाएंगे। उद्यान विभाग ने इसकी व्यवस्था बनाई है। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ लें, कण कण में व्याप्त उस विराट चेतना को नमन वंदन करें, प्रणाम करें। ओम नमो स्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।